सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीजेपी के पूर्व नगर सेवक राजेश वदरिया के बेटे धीरेन वदरिया की शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में ओमी कालानी पर खंडनी का मामला दर्ज किया गया है, जिससे उल्लासनगर शहर में राजनीति गर्मा गई है। जहां कालानी परिवार के साथ जुड़े लोग, व्यापारी, कालानी समर्थक अब खुलकर ओमी कालानी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, जहां समर्थकों द्वारा यह पूरा मामला ही झूठा बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि पूरा कालानी परिवार हमेशा से ही शहर की जनता के लिए खड़ा रहता है और यह खंडनी का मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। अक्सर देखा गया है शहर के अंदर जब भी इलेक्शन का माहौल आता है, इलेक्शन का मौसम आता है, तो ऐसे राजनीति शुरू हो जाती है। हाल ही दो तीन दिन पहले जब ओमी कालानी के ऊपर FIR दर्ज की गई, तो ऐसे लग रहा है कि ये राजनीति जो है, शहर में राजनीति होना चाहिए लेकिन पर्सनल अटैक, ये सब बातें जो है शहर में कहीं ना कहीं व्यापार का, व्यापारियों का, लाइन अर्डर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीति कीजिए, बिल्कुल करनी है राजनीति आप लोगों को, लेकिन उसमें शहर का कहीं नुकसान, व्यापारियों का कोई नुकसान या कोई लाइन आर्डर खराब ना हो, ऐसी बातों को ध्यान में रख के राजनीति होनी चाहिए। ओमी कालानी जी के ऊपर जो FIR हुई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा शहरवासियों को कि जब भी शहर के अंदर बड़े बड़े आफत आई है, जैसे 855 बिल्डिंग का मुद्दा था या DP प्लान था, तो उस वक्त कालानी परिवार ने बिल्कुल रोड पर आकर शहर को कहीं ना कहीं रिलीफ दिलाया। आज शहर 855 की वजह से बचा हुआ है, DP प्लान का काम चालू ही है। ये सब चीज़ों पर उस वक्त सिर्फ हमें फ्रेम में पप्पू कालानी का परिवार, पप्पू कालानी जी और ओमी कालानी जी नज़र आ रहे थे, तो ऐसे भी कार्य उन्होंने किए हैं। इन बातों को भी ध्यान में शहरवासियों को रखना चाहिए। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन UTA 5 के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो पूरा व्यापारी वर्ग ही कालानी परिवार का कर्जदार है, लेकिन जब जब भी मार्केट में कोई आपदा आती है व्यापारियों को या कोई तकलीफ आती है, तो सबसे आगे कालानी परिवार रहता है। चाहे वो फिर जीन्स वॉश की तकलीफ हो, चाहे वो पेन पार्क का मुद्दा हो, चाहे कैपिटल वैल्यू टैक्स हो, जिस भी तकलीफ से व्यापारी वर्ग को परेशानी होती है, तो हमारे लिए ओमी कालानी जी हो या पंचम कालानी जी हो, हमेशा व्यापारियों के लिए मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। आज जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इससे व्यापारी वर्ग का माहौल काफी खराब हो रहा है। मैं आज ये बताना चाहूंगा, वैसे तो कालानी परिवार हमेशा व्यापारियों के साथ रहता है और हमारे UTA में आज जो 45 से 50 एसोसिएशन है, आज सब व्यापारी वर्ग कालानी परिवार के साथ है। मैं एडवोकेट मनीष वाधवा, UTA और जय महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन का लीगल एडवाइजर, आज उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में जो हमारे यूथ आइकन ओमी कालानी जी के ऊपर झूठी FIR दाखिल की गई है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे यूथ आइकन ओमी कालानी जी UTA के सर्वे सर्वा है और UTA हर वक्त शहर और शहरवासियों के प्रति और व्यापारियों के प्रति उनके सुख दुख में हमेशा उनका साथ देती है। ऐसे इंसान के ऊपर ऐसी झूठी FIR दाखिल करना निंदनीय है। मैं UTA के तरफ से इस FIR का पुरजोर विरोध करता हूं और अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं हुई तो UTA और शहरवासियों के व्यापारी तीव्र आंदोलन करेंगे। कुछ दिन पहले से सुनने में आया था कि हमारे यूथ आइकॉन, जिसको हम किंग मेकर भी बोलते हैं, उनके ऊपर कुछ झूठा मामला खंडड़ी का दाखिल किया गया है उल्लासनगर एक पुलिस चौकी के अंदर में। तो मेरा ऐसा बोलना है कि शहर के ऐसे नेता के ऊपर
गुनाह दाखिल किया गया है, झूठा गुनाह दाखिल किया गया है। मैं एक मुद्दा ऐसे याद दिला दूं कि हमारे कैबिल सच्चू कैबिल वाले का जब भी मर्डर हुआ था तो उससे ना लेना ना देना उसके बावजूद भी हम लोग ने ओमी कालानी जी के साथ में कोर्ट में विरोध किया था। आज ऐसे जो शहर के रक्षक हैं और जो शहर को सिक्योरिटी देते हैं उनके ऊपर झूठा मामला अगर दर्ज होता है तो हम व्यापारी कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूं और अगर ऐसी बातें होती रही तो हम व्यापारी को रोड पे आने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी और हम लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमको किस चीज़ का विरोध करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे सच्चे नेता के ऊपर कहीं ना कहीं विरोध होगा, जो हम व्यापारियों के ऊपर, व्यापारियों को हमेशा सिक्योरिटी देते हैं और व्यापारी के हमेशा साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में अगर हमको रास्ते में भी उतरना पड़ा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम लोग रास्ते पे उतर जाएंगे। आज उल्लासनगर में जो हालात हैं, जो हमारे नेता श्री ओमी कालानी पे एक झूठी FRI दर्ज की गई है, इसमें से आप समझ सकते हैं शहरवासी कि किस तरह की राजनीति शहर में चल रही है। अगर कोई नेता किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और उसे इस तरह खंडनी के केस में उसके खिलाफ FIR पुलिस दाखिल करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो शहर के लिए, जो शहर के विकास के लिए, जिसका परिवार, कालानी परिवार जो शहर के हित के लिए जाना चाहता है, अगर वो किसी मुद्दे को उठाते हैं और राजनीति के षड्यंत्र तरह इस तरह उनको, उनके ऊपर FIR की जाती है, ये बहुत शर्मनाक बात है। मेरी जब तक बात है ओमी कालानी जी से तो मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो हर वक्त रात दिन समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, हर वक्त शहर के मुद्दों को सॉल्व करते हैं और शहर के लोगों के भलाई के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। ऐसे नेता के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होना ये हमारे शहर के लिए बहुत बुरी बात है, जबकि ये देखा गया है कि उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ एक लेटर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ है। आपको उस चीज़ का जवाब देना है, न कि उस नेता के खिलाफ जो हमारे शहर के हित के लिए काम करता है उसके अगेंस्ट में आपको FIR दाखिल करनी है। मैं पुलिस वालों लोगों से यही अपील करूँगा कि इस तरह का अन्याय मत कीजिए, ये हमारे शहर के हित के लिए नहीं है। और जिन्होंने भी ये FIR की है मैं उनको भी यही बोलूँगा कि मेहरबानी करके राजनीति षड्यंत्र करके इस तरह शहर के नेताओं को बर्बाद मत कीजिए, आप अपने हित के लिए शहर को बर्बाद मत कीजिए। यही मेरे पूरे शहरवासियों से अपील है कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो हम पूरे ज़ोर आवाज़ से इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और देखेंगे कि आगे हमारे नेता के लिए क्या हो सकता है। हम उनके साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।